बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। सर, हत्या का मामला है, क्या मामला है? ये दिनांक 31 मार्च 2022 को फरियादी अमर सिंह पिता पार सिंह जाति बारेला 60 साल निवासी नादिया द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट की गई थाना सेंधवा ग्रामीण पर कि उसके भाई की हत्या किसी व्यक्ति द्वारा की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर और वहाँ घटनास्थल तस्दीक करके आसपास लोगों का बयान लेके पता लगाया कि उसकी हत्या उसके ससुर रिंगनिया पिता वेर सिंह बारेला 60 वर्षीय उसी गांव के निवासी द्वारा की गई है। ये पति पत्नी का आपस का विवाद की वजह से पत्नी को बार बार मार पीटने के कारण उसके द्वारा उसकी हत्या की गई है, जिस कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की गई थी उसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। इसमें पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण में 272-22 धारा 302 IPC के तहत FIR दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और कुल्हाड़ी जो घटना में उपयोग की गई उसको जब्त किया गया है। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण विकास कपीस और SI श्रीराम मंडोई और थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज थाना पाटी पर बुद्धि पुजारा फलिया गोई नदी विराज के अंदर एक अज्ञात पुरुष के शव की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और विराज जो गोई नदी का विराज डैम बना हुआ उसके अंदर से एक अज्ञात पुरुष का शव, उम्र करीबन 25 से 30 साल का है, जिसने लाल चेक का शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है, उसका शव निकाल करके पार्टी PM रूम में रखा हुआ है और अभी उसके परिवारजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। शव की पहचान के लिए हमने हमारे सीमावर्ती सभी जिले के सभी थानों को RM द्वारा सूचित कर रहे हैं और जो भी सूचना मिलेगी उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इस पर जगह इस जगह स्थान पर हमने कार्रवाई की है, जो पूर्व में भी पट्टे पर था, इनकी 28 मार्च को मैडम के द्वारा इसकी पट्टा निरस्त कर दिया गया है। सर, इसके अलावा सेंधवा में और कोई चिन्हित किए गए अतिक्रमण के लिए? नहीं, अभी तो मैं जब से आया हूँ तब से इसी का मामला उसमें था, तब से इस पर हम कार्रवाई इस पर चल रही थी, कार्रवाई लगातार चल रही थी। जैसे ही मैडम इसका पट्टा निरस्त किया है तो इसलिए हम इस पर आज कार्रवाई की है। सर, निरस्त करने के कोई कारण? निरस्त करने के दो तीन कारण उसमें बताया गया है। एक कारण तो ये था कि ये रेसिडेंशियल था, उसको इसको कमर्शियल यूज़ कर रहे थे, जिसके नाम पर था उसके भिन्न व्यक्ति इसको यूज़ कर रहा था। इसके पूर्व में भी इनको अतिक्रमण की कार्रवाई प्रचलन में थी, लेकिन उन्होंने उस समय पट्टा प्रस्तुत कर दिया गया था, इसलिए हम इसको इस कार्रवाई को पूर्व में रोका जा चुका है।